yes, there's the कैलाश गिरी एंड दिस इज अ मतलब ड्रोन शॉट तो है नहीं लेकिन ये एरोप्लेन शॉट है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग एयरपोर्ट से निकल के हम लोग डायरेक्ट अभी ये ऑटो भैया का ऑटो पकड़ के जा रहा हूँ एनडी, ठीक है। तो फ्रेंड्स वी आर नाउ ऑन आवर ट्रिप टू जगदम्बा कॉम्प्लेक्स। याद रखिए दोस्तों बाइजक पे जाके ऑटो वाले से आपको ऐसे बार्गेनिंग करना पड़ेगा। 250 नहीं 100 100 ना जी दादा। तो हम लोग अभी ये जगदम्बा कॉम्प्लेक्स पे आया हुआ हूँ। मतलब क्यों ये बात बोला जो यहाँ पे बैठ के टाइम चल जाएगा, इसका रीज़न आप लोग देखिए आप। और अभी डायरेक्टली यहाँ से हम लोग बस पकड़ के चल जाऊँगा जगदम्बा कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ से फिर एक ऑटो या लंच करके चल जाऊँगा डायरेक्ट होटल पे। आज आप लोगों को मैं दिखाऊँगा वाइजैक का Day 1 ट्रिप, तो स्टे ट्यून विद माय चैनल एंड कंटिन्यू वाचिंग द ब्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स एंड यू आर ऑल वेलकम टू माय चैनल प्रिट्स कलेक्शन। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी हम लोग अभी एयरपोर्ट से बाहर आ गया हूँ। ये जो मेरा पीछे आप जो ये गार्डन देख रहे हो ये पूरा एयरपोर्ट का एकदम सामने में ही है, जस्ट एयरपोर्ट लिंक। तो ये एक बेहतरीन ये का लोकेशन है। अगर आप लोग यहाँ पे 2 घंटा या 3 घंटा पहले भी आते हो तो आई एम वेरी मच श्योर आप लोग यहाँ पे 1 घंटा अच्छा से आप लोग यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। एक बेहतरीन आप लोग लोकेशन पीछे में आप लोग दिखाई मिल रहा है। तो एयरपोर्ट से कैब मत लीजिए आप। एयरपोर्ट से ये है मेरा पीछे एयरपोर्ट, इससे आप स्ट्रेट जो ये जो रोड आप लोग देख रहे हो ये रोड आप लोग पकड़ लीजिए, पकड़ के डायरेक्ट स्ट्रेट जो मेन सामने में जो कनेक्टिंग रोड है वहाँ पे आप लोग पहुँच जाइए। और पहुँचने के बाद वहाँ से आप लोग बस लीजिए 111, अगर है नहीं तो कोई भी बस। रोड का आपको टूवर्ड लेफ्ट साइड में जाना है, वहाँ से आप बस लेके डायरेक्टली आप चल जाइए जगदम्बा कॉम्प्लेक्स। फाइन, जगदम्बा कॉम्प्लेक्स में जाके आप लंच कीजिए, फिर वहाँ से कोई भी ऑटो लेके आप चल जाइए आरके बीच तक। तो इसमें आपका क्या होगा, बहुत ही कम खर्चा में आप डायरेक्टली आपका लोकेशन पे आप पहुँच जाओगे। ओके, तो चलिए अभी जाता हूँ एयरपोर्ट से बाहर, बहुत सारा प्लानिंग है, टाइम और वेस्ट नहीं करूँगा, आपका साथ वहाँ जाके भेंट होगा। एंड एयरपोर्ट वाला रोड से आप स्ट्रेट यहाँ तक पहुँच जाइए और यहाँ तक पहुँचने के बाद आप पीछे में देख रहे हो जो ये बस स्टैंड, आप लोग यहाँ से आपको बस मिल जाएगा टूवर्ड जगदम्बा का। ये रोड पकड़ के आप लोग रोड का उस तरफ जाइए और वहाँ पे कोई भी बस पे आप लोग पूछिए जगदम्बा कॉम्प्लेक्स जाना है, तो जब लोग जगदम्बा कॉम्प्लेक्स पहुँच जाइए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग एयरपोर्ट से निकल के हम लोग डायरेक्ट अभी ये ऑटो भैया का ऑटो पकड़ के जा रहा हूँ एनडी, ठीक है। एनडी से वहाँ से फिर हम लोग चेंज कर लूँगा, तो फिलहाल अभी के लिए चलता हूँ एनडी देखे। और सुनाई सामने यहाँ पर बैठा हुआ है और मैं आपको एक बार देने का व्यू, ये है वाइजैक का व्यू। तो हम लोग पीछे अभी बैठा हुआ हूँ, देखिए कितना बेहतरीन एक मौसम है, बादल का मौसम है और ये ऊपर का क्लाउडी वेदर है, ठंडा वेदर ज़्यादा यहाँ पे, आज भीड़ यहाँ पे है नहीं। तो वी आर नाउ फीलिंग वेरी गुड, फाइनली हम लोग वाइजैक पहुँच गया हूँ। वाइजैक से आपको यहाँ पे जाने वक्त मैं आपको एनडी कैंपस से आपको दिखाऊँगा, ठीक है। कितना बुकिंग कितना लीजिएगा? 250 नहीं 100 100 ना जी दादा। तो सामने से ऑटो कर लूँगा ना, 110 110 120 दादा। हम यहाँ पे पढ़ाई करता था विकास का, यहाँ पे हम नया आदमी नहीं है। चलो 100 100 बोला, देखिए चलो। अभी हम लोग एनडी से हम लोग जगदम्बा का लिए एक ऑटो हम लोग ले लिया। यहाँ से 100 रुपीज़ आप लोग को मैक्सिमम पड़ेगा डायरेक्ट जगदम्बा के लिए। वहाँ पे आप लोग जाइए थोड़ा लंच वंच कर लीजिए और लंच करके फिर आप लोग चल जाइए आरके बीच का वहाँ पे। और ये रोड दिखा रहा हूँ ज़्यादा मतलब थोड़ा गैदरिंग तो यहाँ पे है लेकिन मास्क सभी कोई पहन रहा है। आप लोग यहाँ पे वाइजैक पे खाइए पिए, बहुत ही बढ़िया। लेकिन इस टाइम पे मैं जो यहाँ आज यहाँ पर आके देखा हूँ यहाँ पे हीट है, गर्मी है। आई थिंक आप लोग नवंबर दिसंबर पे आप लोग आ सकते हो, बेस्ट टाइम जनवरी पे भी आप लोग आइए, तो थोड़ा ठंडा वेदर रहेगा और घूम के भी आप लोग एंजॉय कर पाइएगा। लेकिन अच्छा हुआ यहाँ पे अभी धूप है, जैसा हम लोग आने का पहले प्रेडिक्शन था जो यहाँ पे बारिश होगा ये होगा, कुछ यहाँ पे वैसा वेदर है नहीं, बढ़िया वेदर है। तो चलिए अभी खाना है तो गोइंग टू जगदम्बा कॉम्प्लेक्स। अभी 10 मिनट लगेगा यहाँ से जगदम्बा कॉम्प्लेक्स, वहाँ से फिर लंच करूँगा, उसके बाद वहाँ से हम लोग चल जाऊँगा आरके बीच। और ये है यहाँ जगदम्बा कॉम्प्लेक्स पे ये मूवी थिएटर, ओके। और ऑलरेडी हम लोग अल्फा से खा लिया हूँ, और अल्फा में चिकन बिरयानी, अगर आप लोग वाइजैक पे आते हो आप लोग भी, लेकिन अल्फा का चिकन बिरयानी खाइएगा, ओके। वेरी मच टेस्टी, वेरी ऐसा वाला टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा हैदराबाद छोड़ के, ओके। और ये है मेरा पीछे जगदम्बा कॉम्प्लेक्स का सिनेमा मल्टीप्लेक्स। जगदम्बा कॉम्प्लेक्स का ठीक पीछे आपको मिलेगा अल्फा होटल, बेस्ट फॉर बिरयानी इन वाइजैक, सो नेवर फॉरगेट टेस्ट। तो फ्रेंड जगदम्बा कॉम्प्लेक्स से आप लोग को 5 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट आपको लगेगा बीच रोड पकड़ने। ये जो रोड आपको जा रहा है ये पूरा डायरेक्ट जाएगा बीच रोड, और हम लोग को तो जाना है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे है नोवोटेल, और आप लोग लेफ्ट साइड पकड़िए। यहाँ ये है आपका पूरा बीच, ये बेहतरीन जगह है। यहाँ पर 6 साल बाद यहाँ पे आ रहा हूँ, इसलिए देख के अभी भी अच्छा लग रहा है, एकदम बेहतरीन एक जगह है। अगर फ्रेंड अगर आप लोग आरके बीच में रहना चाहते हो तो आपको लेना चाहिए आरके बीच का ऊपर ही आपको रूम। और ये जो आप लोग देख रहे हो पूरा बीच रोड है, और यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा बीच व्यू गेस्ट हाउस, उसका बगल में और एक होटल है। तो मैं प्रेफर करूँगा आपको सोनर बांग्ला में रहने के लिए। तो बहुत सारा होटल्स देखने के लिए मिलेगा। ये है रश्मि बीच रिसोर्ट, ओके। यहाँ पे और एक होटल, और ये आप लोग देख रहे हो नोवोटेल, ये 5 स्टार होटल है, ओके। हम लोग यहाँ पर ट्राई किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिला क्योंकि हम लोग लेट हो गया था। देखिए ऊपर में लिखा हुआ नोवोटेल, तो बेहतरीन बीच रोड है। नोवोटेल का बगल पे ही आपको मिल जाएगा पूरा बीच रोड, और बीच रोड पे ही एकदम है सोनार बांग्ला गेस्ट हाउस, द बेस्ट होटल एट। और ऑलरेडी मैं अभी वाइजैक बीच पे यहाँ पे पहुँच गया हूँ आरके बीच, और ठीक मेरा बगल पीछे में आप लोग देख सक रहे हो तो ये है आरके बीच, ओके। और ये जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ये है पूरा आरके बीच रोड, और मेरा सामने में आप लोग देखिए ये भी पूरा बीच रोड है, ओके। और हम लोग अभी डायरेक्टली लंच करके टूअर्स होटल हम लोग चेक इन करूँगा। तो फ्रेंड अभी हम लोग वाइजैक सी बीच में अभी हम लोग रूम में चेक इन करूँगा। तो वाटर बॉटल, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ ले लिया हूँ, और देखिए पीछे वहाँ पे सोनाई खड़ा है। और ये है हम लोग का होटल जहाँ पर हम लोग रहूँगा 2nd फ्लोर पर टूअर्स सी बीच साइड। और ठीक मेरा पीछे ही पे आप लोग देख सकते हो ये है सी बीच, मतलब रूम से सी फेसिंग रूम है जो हम लोग का यहाँ पे। ये जो होटल आप लोग देख रहे हो ये है होटल न्यू सोनार बांग्ला। होटल कैसा है, क्या रिव्यू है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ओके। देखते रहिए मेरा ब्लॉग और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। फ्रेंड अगर आप लोग का मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो कोई भी टाइम। तो फ्रेंड हम लोग फाइनली होटल पे चेक इन कर गया हूँ, ओके। अभी भी थोड़ा एसी चल रहा है लेकिन आप लोगों को मेरे को चीज़ दिखाऊंगा जैसे ये इसका रीज़न है यही वाला, मतलब जो बैल्कनी से निकल के ये हम लोग का बैल्कनी है, सेपरेट बैल्कनी, और बैल्कनी से निकल के आप लोगों को डायरेक्ट ये वाला व्यू मिलेगा। ये है वाइजैक का बीच, आरके बीच। और ठीक मेरा सामने देखिए वो वाला है नोवोटेल, ओके। और ठीक जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ये जो जगह, ओके, ये जगह इसको बोलते हैं डॉल्फिन नोज। और ये जो पूरा स्ट्रेट जो एक जगह है ये पूरा है बीच रोड, एकदम फाइन। और ठीक जो यहाँ पे बोर्डिंग लगा हुआ है ये बोर्ड का ठीक पीछे में ही है आरके बीच का काली मंदिर। तो बेस्ट होटल है, आप लोग वाइजैक पे आइए और यही वाला होटल पे आप लोग रहिए, बहुत ही कम दाम में, चीप दाम में यहाँ पे मिल जाएगा रूम। हेलो फ्रेंड्स, सो फाइनली वी आर राइट नाउ एट वाइजैग RK बीच। ओके, आप लोग देख रहे हो ये अभी यहाँ का टाइम पे अब कितना यहाँ पे मतलब ठंडा वेदर है, और कम से कम बीच पे पीछे भी आप लोग देख रहे हो जो टूरिस्ट या लोकल यहाँ पे सब घूमने के लिए आया हुआ है। एंड हम लोग मास्क भी पहना हुआ हूँ और मैं और सोनाई, तो आज हम लोग की बीच पे ही हम लोग एंजॉय करूँगा। कल सुबह का प्लान कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, अभी मैं आप लोगों को कुछ रिवील नहीं कर रहा हूँ। तो परसों आप लोगों का पास एक नया ब्लॉग आ रहा है, और कल का ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो कीप ऑन सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद प्रिट्स कलेक्शन। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग दोनों मिलके थोड़ा सा इवनिंग वॉक कर रहा हूँ। ये वाइजैग का RK बीच रोड, और दोनों साइड में इतना बढ़िया बढ़िया मोन्यूमेंट यहाँ पे मतलब बनाया है जो अभी इवनिंग पे उतना बढ़िया आप लोग देख नहीं पा रहे हो। तो कल मॉर्निंग पे मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, उस टाइम पे आप लोग सभी देख के ये एंजॉय करोगे। और जो अभी वाइजैग पे घूमने आना चाहता है, दे कैन डेफिनेटली बुक दैट टिकट फॉर नवंबर और दिसंबर। गेट वेरी कॉन्फिडेंट टू विजिट वाइजैग, और एवरीथिंग इज़ फाइन, नॉर्मल, कैजुअल। और बट आई एम नॉट येट श्योर दैट बोरा कैब अभी तक ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है। आपका किसी का पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर है कि बोरा कैब अभी ओपन हुआ है कि नहीं हुआ, तो प्लीज़ मेरे को आप लोग कमेंट कीजिए, सो दैट मैं अभी मैं एक टिकट में बुक कर लूँगा आपको बोरा कैब ट्रिप के लिए। और बाकी छोड़ के अभी नियर बाई जो भी यहाँ पे है, जैसे कैलाश गिरी का रोप वे, वो हम लोग कल जाऊँगा। तो लेट्स सी और क्या क्या हम लोग यहाँ पे देखता हूँ। सारा कुछ यहाँ पे ओपन है, सब होटल वगैरह एकदम कैजुअल है। हर कोई यहाँ पे मास्क पहन के यहाँ पे इवनिंग वॉक भी कर रहा है। तो एवरीथिंग इज़ फाइन, नथिंग टू वरी। मतलब हम लोग भी जब मतलब ट्रिप के लिए प्लानिंग कर रहा था, तो उस टाइम पे मैं भी मतलब बहुत सर्च किया जो अभी वाइजैग पे कंडीशन क्या है, लाइव वहाँ पर लाइव फुटेज। तो इसीलिए मैं अभी आप मेरा व्यूवर्स को भी मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, एवरीथिंग इज़ फाइन, नथिंग टू वरी। आप लोग अगर आना चाहते हो आप लोग भी आ सकते हो, और ये मौसम भी अच्छा है इवनिंग का टाइम पे। इवनिंग के टाइम पे ये मौसम भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे है नहीं है। ओके, तो एवरीथिंग इज़ फाइन। वाइजैग का डे 1 हम लोग ऐसे ही ख़त्म करता हूँ। ये सी फूड हम लोग खाया हूँ, और कल हम लोग घूमने जाऊँगा डे 2 ट्रिप का। तो हम लोग कैब बुक किया हूँ जहाँ पे फिशिंग हार्बर, यारडा बीच और डॉल्फिन नोज हम लोग जाऊँगा। अगर से क्या क्या ओपन है देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करके रखिए। और फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।